दोस्तों एडवेंचर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों हम सभी के मोबाइल में फोन डायलर तो जरूर होता है, लेकिन आपने कभी सोचा है जाना है कि ये जो फोन डायलर आप जो देख रहे हो ना, ये मोबाइल के अंदर क्यों होता है, इसका क्या काम है? आपको लगता हो कि यार क्या बचकानी हरकत है, फोन डायलर से तो नंबर डाल करके कॉल करते, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन दोस्तों आपका सोचना बिल्कुल ही गलत है। ये जो फोन डायलर आप जो देख रहे हो ना और ये जो आई बटन आप जो देख रहे हो ना, इसी आई बटन इसी फोन डायलर के अंदर ऐसा ऐसा खतरनाक खुफिया राज और खुफिया ट्रिक छुपा हुआ, कुछ ऐसे हैक्स ट्रिक के बारे में बताऊंगा जो आप किसी का पोल खोल के रख सकते हैं। और जो चार नंबर का ट्रिक है ना, इसी ट्रिक की मदद से मैं 100% में आपको चैलेंज ले रहा हूं कि आप बिल्कुल चौंक जाएंगे और इसी ट्रिक से जो ना आप किसी का भी पोल खोल के रख सकते हैं जो इस फोन डायलर के अंदर छुपा हुआ है। तो आज का जो वीडियो ना मेरे भाई, काफी खतरनाक कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। ये फोन डायलर के अंदर छुपा हुआ चार ट्रिक बताऊंगा जो एक से बढ़कर एक जबरदस्त आपको पता होना चाहिए 2022 में। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कह लेता वीडियो स्टार्ट है। मेरा नाम सितारे और आप देख रहे होगा टोका यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप सबसे पहले जानना चाहते हो ना, सीखना चाहते हो, वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा, फ्री होता है। इस वीडियो को प्लीज मेरे भाई सपोर्ट कीजिएगा लाइक करके, लाइक करना फ्री होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल पर क्लिक पे सेट कर दीजिएगा। इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। कमेंट के अंदर आपको लिख सकते हैं यहां पे ट्रिक। जी हां, तो बस ये छोटी से काम करने के बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ये फोन डायलर की सबसे पहला खतरनाक ट्रिक बताऊंगा। इसी ट्रिक की मदद से आप सबको चौंका के रख सकते हो। कैसे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ये जो फोन डायलर है ना, इस फोन डायलर की मदद से आप कोई भी एप्लीकेशन को आप हाइड कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। दोस्तों आप लोग को यकीन नहीं होगा कि भाई फोन डायलर के अंदर कोई भी एप्लीकेशन कैसे हाइड हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि यहां पे क्या लिखता हूं, यहां पे स्टार्ट लिख, हैच लिख दिया, हैच 1 2 3 4 लिख दिया, फिर से हैच लिख दिया, बूम गाइस फाइनली यहां पे आ चुका है। यहां पे क्या लिखा, हाइड एप्स। तो कौन-कौन एप्लीकेशन को हाइड किया, व्हाट्सएप और फेसबुक। और ये चीज जो है ना मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे कहीं पे भी नहीं दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि मैं यहां पे फेसबुक सर्च करता हूं, फेसबुक सर्च किया नहीं आया, फिर से यहां पे क्या करता हूं व्हाट्सएप सर्च कर देता हूं, यहां पे व्हाट्सएप भी नहीं आया। देख सकते आप देख रहे हो, लेकिन मैं जाता हूं तो यहां पे देख सकते हो 1 2 3 4 यहां पे लिख दिया हैच आ चुका। तो यहां से आप एक्सेस कर सकते हो, यहां से आप कर सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो काफी जबरदस्त है। ये आप कैसे कर पाओगे, आपको सबसे पहले आप अपने फोन की सेटिंग में जाना होगा, और जैसे आप अपने फोन की सेटिंग में जाओगे ना तो यहां पे आपको मिल जाएगा प्राइवेसी। प्राइवेसी सेटिंग में जाओगे, यहां पे आपको हाइड एप्स के अंदर जाना पड़ेगा, और यहां पे जो भी स्क्रीन लॉक है या फिंगरप्रिंट उसको डाल देना, और यहां पे आ चुका है। जैसे कि यहां पे ऑन करके रखा हूं, अगर आप अनहाइड करना चाहते हैं तो इसे बंद कर दें तो ये आप हट जाएगा। तो कोई और एप्लीकेशन ले लेता हूं, जैसे कि मैं दोस्तों यहां पे कोई और एप्लीकेशन, जैसे कि यहां पे देख सकते हैं यहां पे कैरम ले लिया, ठीक है, इसको मैं आपको ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद पासवर्ड कैसे डालना है, तो 3 डॉट पे जाना है, सेटिंग में जाना है, तो यहाँ पे चेंज एक्सेस कोड है, तो एक्सेस कोड यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जो भी डालना चाहते हैं हैच डाल देना। और यहाँ पे आपको जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 9945 लिख देता हूँ, ठीक है, फिर यहाँ पे हैच डाल दिया, ठीक है, 9945 डाल करके यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना, यही आपका पासवर्ड बन जाएगा। तो हैच डालना जरूरी है, ठीक है, स्टार नहीं डालना, हैच डालना, ठीक है। तो यहाँ पे डन पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे क्या करता हूं फिर से जाता हूं, तो यहाँ पे लिख देता हूं हैच 9945, और यहाँ पे आप लिख देना होगा हैच, फिर से यहाँ पे देख सकते हैं बूम गाइस फाइनली यहाँ पे आ चुका, ठीक है। तो कुछ इस तरह से एप्लीकेशन को आप हाइड कर सकते हो, काफी जबरदस्त है, आप ट्राई कर सकते हो, अनहाइड भी कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं फोन डायलर की, दूसरे नंबर का बिल्कुल खतरनाक जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा, और चार नंबर का ट्रिक जरूर सीख के जाना, क्योंकि इस ट्रिक से आप किसी का भी पोल खोल सकते हैं, सामने वाला बंदा बिल्कुल चौंक जाएगा। तो दूसरा ट्रिक है क्या, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि ये जो आई बटन देख रहा, इस आई बटन के अंदर जो है ना बिल्कुल जबरदस्त खुफिया ट्रिक छुपा हुआ, जिसके बारे में आप लोग को नहीं पता। दोस्तों क्या है ट्रिक इस आई बटन के अंदर, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इस बटन पे क्लिक करोगे ना कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा। तो यहां पे डबल डॉट जो देख रहे ना, उसके बाद जो मैं स्टार का बटन आपको नजर आता होगा, इस स्टार बटन पे क्लिक करोगे ना तो यहां पे येलो हो जाएगा। तो इस स्टार बटन पे अंदर क्या है काम, इसका मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको बैक करना, बैक करने के बाद कॉन्टेक्ट के अंदर जाओगे ना तो ऊपर में आपको जो माय लव यहां पे दिख रहा है ना, वहां पे आपको सजेशन दे देगा। सजेशन का मतलब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट
लिस्ट में जो है ना 100 200 500 हजार नंबर होता है, और एक नंबर से आप बार बार कॉल करते हैं, यानी कि एक दिन में 10 बार 15 बार कॉल करते हैं, और आप चाहते हैं कि जिस जो भी नंबर आपका फेवरेट है वो टॉप में दिखे, चाहे भले वो कोई सा भी नाम हो, ए से लेकर जेड तक। यदि आप यहाँ पे टी सर्च करोगे तो टी नाम का नीचे आपको दिखने को मिल जाएगा, तो जो भी नाम का होगा ना, तो सबसे पहले जो आप फेवरेट जो स्टार डालोगे ना, तो वो आपको सजेशन ऊपर में दे देगा, चाहे वो एम वर्ड का हो या एस वर्ड का हो, तो नीचे ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको सजेशन ऊपर में दे देगा, जो भी फेवरेट नंबर होगा ना तो ऊपर में देगा, बस आपको यहाँ पे टैप करना और आप कॉलिंग कर सकते हो। जबरदस्त और बहुत ही कमाल का लगा, इसका फायदा उठा सकते हो। उसके अलावा दोस्तों इस आई बटन के अंदर एक और ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, तो आई बटन पे क्लिक करें, थ्री डॉट पे जाओगे ना तो यहां पे आपको ऐड टू वीआईपी कांटेक्ट होगा, इस पे क्लिक करोगे ना तो यहां पे ऐड वीआईपी कांटेक्ट होगा, इस पे क्लिक करोगे ना तो यहां पे वी बैच लग चुका, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहां पे आप ये भी डाल सकते हैं कि आपका जो कांटेक्ट है कौन सा वीआईपी है, कौन सा बंदा वीआईपी है, यानी कि कोई कोई बंदा होता है ना बॉस होता है ऑफिस के अंदर, उसका कांटेक्ट के अंदर वी बैच डालना चाहते हैं कि भाई ये जो ना बॉस का नंबर है तो वी डालना चाहते हैं, तो आपको यूनिक लगता है तो आप यहां पे डाल सकते हो, जो आई बटन के अंदर छुपा हुआ था इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। बात करेंगे दोस्तों फॉन्ट डायलर की, तीसरे नंबर का बिल्कुल जबरदस्त बिल्कुल खतरनाक ट्रिक बताऊंगा, जो 101% जो ना बिल्कुल ही चौंक जाएंगे, सोचने लगोगे कि यार फॉन्ट डायलर के अंदर ऐसा भी ट्रिक हो सकता है जो मुझे कहां से पहले पता होना चाहिए। तो ये तीसरे नंबर का ट्रिक का फायदा क्या उठा सकते हैं, तो इसके लिए आपको थ्री डॉट पे जाएंगे, सेटिंग में जाओगे ना, सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहां पे आपको नीचे जाओगे ना तो एक सेटिंग मिलेगा जो बिल्कुल खतरनाक जबरदस्त सेटिंग है। लेकिन ये ट्रिक बताने से पहले इसका काम बता देता हूं, जो बिल्कुल हैरान हो जाओगा, बिल्कुल चौंक जाओगा, बोलोगे कि यार काश ये ट्रिक मुझे पहले पता होना चाहिए। तो इस ट्रिक का फायदा क्या उठा सकते हैं, मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास दो फ्रेंड है, और एक पहला फ्रेंड जो ना आपको कॉल करता है, पहला फ्रेंड से जो ना आधा घंटा एक घंटा बात करते हैं, लेकिन अचानक दूसरा फ्रेंड आपको कॉल कर देता है, और दूसरा बंदा कॉल करेगा तो कॉल वेटिंग तो जरूर बताएगा, वो पहला बंदा से बात करोगे या दूसरा बंदा कॉल करेगा तो उसका तो वेटिंग तो बताएगा, बार बार कॉल कर रहा है लेकिन वेटिंग लिस्ट बता रहा है। तो आप पहला बंदा से यानी कि पहला फ्रेंड से बात करने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट करोगे तो दूसरा फ्रेंड आपको कॉल करेगा, और आप उसका कॉल रिसीव करोगे ना तो वो बोलेगा कि भाई कहां बात कर रहा था, कहां बिजी था, इतना देर बात कर रहा था, अर्जेंट था, तो बहुत सारा सवाल कर सकता है। लेकिन ऐसा हो कि पहला फ्रेंड से आप बातें कर रहे हो लेकिन दूसरा फ्रेंड आपको कॉल करे तो उसका नॉट रीचेबल बताए, तो लगेगा कि आज स्विच ऑफ है, यानी मतलब कि नेटवर्क से बाहर है, काफी मजा आएगा ना, काफी इंटरेस्टिंग होगा, आपको ना सवाल करेगा, उनको लगेगा कि नॉट रीचेबल है, ना तो कवरेज क्षेत्र से बाहर होगा या मोबाइल स्विच ऑफ होगा, तो यही बताएगा। तो इसके करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, करियर कॉल सेटिंग के अंदर जाओगे ना तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, यहाँ पे कॉल फॉरवर्डिंग होगा, इस वे सेटिंग पे क्लिक करें, पहला सिम या दूसरा सिम पे करना चाहते हो तो वो अपने हिसाब से सिलेक्ट करें, वॉइस पे क्लिक कर देना होगा, और यहाँ पे कुछ सेकेंड यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो ऑन हो चुका, ऑन होने के बाद यहाँ पे अनरीच होगा ना इस सेटिंग को, यानी कि लास्ट वाला नीचे वाला सेटिंग पे क्लिक करना, और यहां पे क्या कर सकते हो कि जो आपके पास जो ना कॉन्टैक्ट नंबर है जो बंद पड़ा हुआ है, जो आप कभी रिचार्ज नहीं किया ना, तो वो नंबर डाल करके जो ना यहां पे कर देना होगा। जैसे कि मैं यहां पे नंबर डाल देता हूं, ठीक है, ये स्विच ऑफ रहता है, मैं कभी यूज भी नहीं करता हूं, तो यहां पे डन पे क्लिक कर देना, तो यहां पे अपलोडिंग होना स्टार्ट हो चुका। तो जैसे अपलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो जो पहला फ्रेंड से बातें करोगे तो दूसरा बंदा कॉल करेगा ना, तो वो कॉल नहीं लगेगा, ना तो वेटिंग लिस्ट बताएगा, उसे अनरीचेबल बताएगा या स्विच ऑफ बताएगा या कवरेज क्षेत्र से बाहर बताएगा। तो काफी जबरदस्त बिल्कुल खतरनाक ट्रिक है, इसका इस्तेमाल आप जरूर कर सकते हैं, बिल्कुल तबाही ट्रिक है, मजा ही आ जाएगा। बात करेंगे यहां पे लास्ट वाला ट्रिक के बारे में, जो फोन डायलर के अंदर छुपा हुआ, जो आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इस ट्रिक से आप किसी का भी पोल खोल के रख सकते हो, सामने वाला बंदा बिल्कुल चौंक जाएगा। पोल खोलने का मतलब मैं आपको बता देता हूं, थ्री डॉट पे जाएंगे, सेटिंग में जाओगे ना तो यहां पे आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन नंबर्स, इससे आपको पता चल गया होगा नाम से, यानी कि कोई भी अनजान व्यक्ति जिसके बारे में आप जानते नहीं, उसका नंबर नहीं जानते, आपको कॉल करके बार बार परेशान कर रहा है, मिस कॉल करके बार बार परेशान कर रहा है, अगर आप लड़की और आपको कोई भी लड़का आपको बार बार कॉल करके परेशान कर रहा है, उसका नाम आप जानना चाहते कि ये व्यक्ति कौन है, तो आप बड़ी आसानी से जान पाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, ये सेटिंग कौन करना है, ये सेटिंग को भी ऑन करना है, ये सेटिंग कौन करना है, ये तीन सेटिंग कौन करेंगे ना, तो ये जो फोन डायलर होता है ना, जो कंपनी में जो बाय डिफॉल्ट देते इनबिल्ट देते ना, काफी इंटेलिजेंट होता है, जो आपको कोई भी बंदा कॉल
कॉल करेगा ना तो उसका नाम सब कुछ बता देगा कि व्यक्ति कौन है, इसका नाम क्या, पूरा आइडेंटिफाई कर देगा। जी हाँ, तो ये फोन डायलर आप जरूर इस्तेमाल कर सकते जो काफी जबरदस्त और कमाल का ट्रिक है। तो दोस्तों यही था फोन डायलर की A to Z ट्रिक, A to Z घातक खुफिया राज और खुफिया ट्रिक जो मैंने आपको बता दिया कि ये फोन डायलर से क्या क्या कर सकते हैं। सिर्फ कॉल करने के लिए नहीं होता, इसके अंदर कुछ और ट्रिक है जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो ना काफी इंटरेस्टिंग, बहुत ही कमाल किला होगा। अगर आपको वीडियो चली, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके बेल पे ऑल प्रेस कर देना। दोस्तों फिर मिलेंगे दोस्तों वीडियो में, अपने क्या लेके, टेक केयर एंड गुड बाय।